नमस्कार जी, मैं अरुण मराठा, शिवसेना जिला इंचार्ज, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। समस्त प्रदेशवासियों और समस्त देशवासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहले तो श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर की कृपा आप सभी पर बने रहे। जय माता की, जय शिवाजी। भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी समस्या आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरा मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि हमारी इस बात को आगे सरकार के समक्ष पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि हमारी समस्या है क्या। तो हम अपनी समस्या रखना चाहते हैं जो हमारे शिव भक्तों ने हमारे समक्ष रखी, और हम अपने द्वारा सरकार के समक्ष ये समस्या रख रहे हैं। तो अभी श्रावण मास की यात्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध सरकार द्वारा लगवा दिया गया, तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो हम सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमारा एक सवाल है, ये हमारा नहीं, हमारे सारे शिव भक्तों का ये सवाल है कि अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है तो हमारे साथ मतभेद क्यों है, जब और धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मानने की पूर्णतः आज़ादी दी गई है। अभी पिछले कल ईद मनाई गई और मणिकरण में सिखों के लिए गुरुद्वारे खुले हैं। तो हमारी कांवड़ यात्रा पे पूर्णतः प्रतिबंध लगवा दिया गया है। हर साल 6 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए गंगा जल लेके अपने अपने राज्य में जलाभिषेक करते थे। तो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा इस पर पूर्णतः प्रतिबंध सरकार द्वारा लगवा दिया गया। तो हमारी जो मेन पहली जो हमारा क्वेश्चन है सरकार से, हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमारे कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया, और धर्मों की जो भी मतलब त्यौहार हैं वो मनाए जाएं। तो नंबर दूसरा, मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी शिव कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेके आते थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनके जो नियम होते थे, हम तो वैसे भी किसी भी अन्य व्यक्ति से हाथ तक या टच भी नहीं होते, उनसे तो हम हाथ तक नहीं मिलाते। तो हमारे जितने शिव भक्त हैं वो सिर्फ कांवड़िए आपस में ही बातचीत कर सकते थे और हाथ मिला सकते थे। तो हम पूर्णतः कोरोना महामारी के जितने भी गाइडलाइन दिशा निर्देश दिए गए थे, हम उनका पालन करते, पर फिर भी सरकार ने हमारी शिव कांवड़ यात्रा को बंद करवा दिया। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इस प्रतिबंध को हटाया जाए और हमारे शिव भक्तों को गंगा जल लाने की परमिशन अनुमति प्रदान की जाए, ताकि शिव भक्त अपने गंगा जल को अपने राज्य तक पहुंचाकर भोले शंकर का जलाभिषेक कर सकें। नहीं तो मैं सरकार को दो टूक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारी कांवड़ यात्रा नहीं खोली गई, तो भविष्य में सरकार के विरुद्ध इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। धन्यवाद। जय माता की।